हिमाचल जो आपने देखा नहीं, जो आपने समझा नहीं, जो आपने जाना नहीं, उस माटी का श्रृंगार करते तथ्य, तरीके, तराने तो आपसे रूबरू हुए होंगे। तो आइए आपकी उस अनछुए हिमाचल से मुलाकात कराएं। बाबा बीजेश्वर हैं तो क्या गम है। सुबाथू छावनी के साथ लगते गंबर पुल स्थित बीजेश्वर महादेव द्योथल मंदिर धार्मिक आस्था का मुख्य केंद्र है। इस देवस्थल पर संक्रांति वो ज्येष्ठ रविवार को भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। महादेव के मात्र दर्शन से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। मनोकामना पूर्ण होने पर भक्त यहाँ विशाल भंडारे सहित कार्याला का भी आयोजन करते हैं। जिला सोलन के मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर सुबाथू गंबर पुल, शिमला मार्ग से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर यह सुंदर देवथल मंदिर है। मंदिर तक पहुंचने के लिए गंबर नदी के ऊपर ब्रिटिश काल का एक विशाल झूला पुल है। यह झूला पुल आज भी हजारों लोगों को आकर्षित करता है। कल वहती नदी, कम ऊंचाई वाली पहाड़ियाँ, शांत किनारा, दार्शनिक मंदिर सदा अपनी खूबसूरती बयां करता है। सड़क किनारे देवस्थल तक ब्रिटिश कलाकारी के अद्भुत नज़ारे इस स्थल को चार चांद लगाते हैं। मंदिर कमेटी के प्रधान सीताराम वर्मा ने बताया कि भक्तों की बीजेश्वर महादेव के प्रति बहुत श्रद्धा है। मैं सीताराम वर्मा, प्रधान बीजेश्वर महादेव मंदिर कमेटी देवथल बोल रहा हूँ। हमारा मंदिर जो है बीजेश्वर महादेव का बड़ा प्राचीन मंदिर है और दूर दूर से यहाँ लोग, श्रद्धालु लोग आते हैं और यहाँ पूजा पाठ करते हैं। मुख्य रूप से कुठाल और हथवाल, ये दो जो खेड़े हैं, इनका ये मुख्य देवता है। और शुरू से ऐसी कटबंदी है कि हमारे जो बुजुर्ग थे उन लोगों ने इस मंदिर को की स्थापना यहाँ की थी और तब से और भी इसमें बरादरी की खेड़े जुड़ चुकी हैं और अब इसकी मान्यता बहुत दूर दूर तक फैली हुई है और लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं और अपनी मनोकामना यहाँ पूर्ण होती है उनकी, यहाँ आने की पूजा पाठ करने के बाद। उसके पश्चात यहाँ मंदिर में हर प्रकार की श्रद्धालुओं के लिए सुविधा उपलब्ध है। रहने के लिए धर्मशाला है अगर किसी ने रात्रि ठहराव करना हो, और प्रतिदिन रविवार को भंडारा और संक्रांत, हर संक्रांत को भी यहाँ भंडारा का आयोजन किया जाता है। इसके पश्चात जब लोगों की यहाँ मनोकामना पूर्ण होती है, मनोकामना करते हैं वो पूर्ण होती है, तो उसकी मान्यता है कि वो अपने घर में जागरा बोलते हैं हमारे, जिसका जागरण बोलते हैं, देवता वहाँ उनके घर में जाएगा, वो विशेष पूजा पाठ करेंगे। और दो जो खेड़े हैं हथवाड़ और बठवाड़, वो इसके लिए बाध्य हैं क्योंकि उनके जो बड़ा पुत्र होगा, ज्येष्ठ पुत्र, उसकी बधाई के लिए भी जागरा उनको अवश्य करवाना पड़ता है। बाकी जो दूसरी जनता है वो अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए जागरा करवाती है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सुबाथू से कपिल गुप्ता की रिपोर्ट।